वेलकम टू हैरीज व्लॉग। आज है 1st of October और मैं हूँ अभी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 में। एंड इस वाले वीडियो में हम जा रहे हैं मुंबई से बैंगलोर इन प्रीमियम इकोनॉमी ऑफ विस्तारा। आपने लास्ट वाला व्लॉग देखा, बहुत सारा प्यार दिया, दैट वॉज इन इकोनॉमी। और ये जो व्लॉग है दिस विल बी इन प्रीमियम इकोनॉमी। दिस ये व्लॉग होगा प्रीमियम इकोनॉमी में। जो प्राइस मैंने पे किया है दैट इज अराउंड 8,500 और जो बाकी फेयर था बिल्कुल ही कम था, वो 3-4 हज़ार का मिल रहा था, लेकिन ये है 8,000 का। मैं बता दूं, अगर ब्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दबाना। ब्लॉग जब पूरा देख लोगे एंड तक तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वाला ब्लॉग कैसा लगा। सो गाइस, दीज आर दी काउंटर्स। तो प्रीमियम इकोनॉमी का काउंटर अलग है, ये है बिजनेस क्लास का, ये है प्रीमियम इकोनॉमी का, तो काउंटर इज डिफरेंट। एंड ये है इकोनॉमी का, तो इकोनॉमी में रश देख लो कितना है, मतलब खचाखच लोग भरे हैं, लेकिन मेरा है प्रीमियम इकोनॉमी, सो आई थिंक मैं सीधा ही अंदर जाऊँगा। आई थिंक सो। तो ऑफ कोर्स अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको प्रायोरिटी चेक इन मिलेगा। अभी रात के हो रहे हैं 3:49 जब मैं अभी सीधा काउंटर पे आ गया, और लाइन देखो कितनी ज़्यादा, ये इकोनॉमी की है, प्रीमियम इकोनॉमी पूरा खाली है। तो ये फ़ायदा है भाई। तो ये है बिजनेस क्लास की लाइन जो कि ऑफ कोर्स कम मिलेगी। दिस इज बिजनेस क्लास, दिस इज प्रीमियम इकोनॉमी एंड दिस इज इकोनॉमी। तो इफ़ यू ट्रैवलिंग इन विस्तारा आपको 3-3 क्लासेस मिलेंगे, एंड बाकी फ्लाइट्स में आई थिंक 1 या 2, एंड एयर इंडिया में बिजनेस एंड इकोनॉमी, बट विस्तारा हैज़ 3 क्लासेस। ये मैं बता चुका हूँ आपको। हियर इज द टिकट। यस, हर किरत कर लो। मैंने अपना बैग दे दिया है। द गुड थिंग इज, मुझे सबसे डिफरेंट लगा इफ यू आर ट्रैवलिंग इन प्रीमियम इकोनॉमी, जो मेरा बोर्डिंग पास है देखो ब्लू कलर का मिला है, यूजली तो आपको पर्पल मिलता है। जैसे मैंने अभी लास्ट ब्लॉग बनाया स्पाइस जेट पे, स्पाइस मैक्स में बनाया था, बट स्टिल स्पाइस मैक्स में मतलब उन्होंने जो सीट वगैरह थी वो बहुत ही ज्यादा पतली थी एंड काफी कुछ था। हाँ, उनका भी प्रायोरिटी चेक इन था, बट इनका तो यार वर्थ था, बिकॉज इकोनॉमी में लाइन लगी हुई थी लंबी, एंड मैं सीधा ही चला गया, एकदम लाइन तोड़ के सीधा अलग काउंटर था प्रीमियम इकोनॉमी का। ये एक फ़ायदा हुआ, मतलब ऑनेस्टली अभी तक तो मुझे लग रहा है कि लेके फ़ायदा तो हुआ है। बैगेज है जो आप पीछे दे सकते हो, दैट इज़ अराउंड 20 kgs, आई थिंक सो, डोंट कोट मी ऑन दैट। और जो लगेज आप अपने साथ कैरी कर सकते हो इन द एयरक्राफ्ट, दैट इज़ अराउंड 10 kgs, यूजली 7 kgs होता है, बट इफ़ यू ट्रैवलिंग इन प्रीमियम इकोनॉमी 10 kilo लेके जा सकते हो प्लेन के अंदर। ये फ़र्क है प्रायोरिटी चेक इन, जो कि मेरा बहुत वर्थ था, वरना मैं लाइन पे लगा रहता कम से कम 25-30 मिनट आराम से। पहले गई सिक्योरिटी मुंबई एयरपोर्ट में नीचे होती थी, लेकिन अभी जो है ऊपर होने लगी, तो ये एक डिफरेंस आया है, क्योंकि ऊपर जगह ज़्यादा है तो काउंटर ज़्यादा लग पा रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक जो है मतलब अच्छे से बढ़ गई और रश ज़्यादा नहीं हो रहा, लाइन ज़्यादा नहीं लग रही। फाइनली सिक्योरिटी इज डन, बहुत ही स्मूथ था सब कुछ, मतलब ऑफकोर्स अभी तो डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहा हूँ, बट कई बार ना डोमेस्टिक में भी बहुत दिक्कत हो जाती है, भसड़ हो जाती है, भीड़ हो जाती है, कई बार सिक्योरिटी में भी तरीके से ले लेते हैं। एक बार मेरा दोस्त श्रीनगर गया था, उसको तो पूरा ही नंगा करवा दिया था गाइस, तरीके से कम 2 घंटा चेकिंग की उसकी, मतलब पता नहीं क्यों, वो तो पता नहीं क्यों बट की तो उनकी मर्जी है एक्चुअली। खैर, इट्स अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी। प्रीमियम इकोनॉमी को स्ट्रिप्ड डाउन वर्जन कहते हैं बिजनेस क्लास का, और 24 सीट्स हैं प्रीमियम इकोनॉमी में कंपेयर टू इकोनॉमी जिसमें अराउंड 132 सीट्स हैं। आपको लेग रूम ज़्यादा मिलेगा, प्रीमियम इकोनॉमी की सीट्स बिल्कुल अलग हैं, 24 हैं, बिजनेस क्लास आगे सीट्स ज़्यादा वाइड हैं, जो सीट रिक्लाइन होता है ना ज़्यादा आप रिलैक्स हो सकते हो, ज़्यादा रिक्लाइन कर सकते हो कंपेयर टू इकोनॉमी। पर्सनल इंटरटेनमेंट जो स्क्रीन्स होती हैं वो ज़्यादा बड़ी दी होती हैं, और हाँ खाने में ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दिस इज़ अ बोर्डिंग गेट 49A। 5 बजे बोर्डिंग शुरू हो जाएगी एंड डिपार्चर है 6 बजे का। यूजली विस्तारा की फ्लाइट्स जो होती हैं वो 1 घंटा पहले जो है बोर्डिंग स्टार्ट कर देती हैं। सो मैं आके बैठ गया, वेट करने लगा भाई कब बोर्डिंग शुरू होगी, एंड वो था हमारा एयरक्राफ्ट, दैट वॉज A320neo, एयरबस का काफ़ी लेटेस्ट वर्जन था, एंड वो था एरोब्रिज। तो प्रीमियम इकोनॉमी एंड बिजनेस क्लास वाले पैसेंजर्स को सबसे पहले बुलाया गया, हमारी बोर्डिंग एग्जैक्ट 5 o'clock स्टार्ट हो गई थी। I was one among them, started proceeding towards the aircraft. मेरे आगे जो थे was a business class passenger, मैं था premium economy में, एंड मेरे साथ 2-3 passengers और थे in premium economy. पूरी flight economy की भरी हुई थी, but premium economy में just few of them. तो ये एरो ब्रिज काफ़ी लंबा था, but the good part was हमेशा मैं यहाँ पर line पर लगता था, but इस बार मैं line पर नहीं लगा था, सीधा जा रहा था। सो दिस वॉज बिजनेस क्लास बेसिकली, एंड आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स प्रीमियम इकोनॉमी, और ये था प्रीमियम इकोनॉमी, खाली था, वहाँ पर मुझे अपना सामान रखना था, एंड
पहले मैंने अपना बैग रखा, बैग के साथ फिर सीट्स देखी, वाज रियली गुड। एंड जो लाइट जल रही थी वो भी काफ़ी कमाल की थी। कैमरा रख दिया मैंने ऑन एंड रखने लगा मैं अपना सामान ऊपर। गाइज लेग स्पेस वॉज अमेजिंग एंड द एयरक्राफ्ट वॉज न्यू, अलग ही प्रीमियम वाली फीलिंग आ रही थी। विंडोज वो वेरी क्लीन, भाई ब्लॉगिंग अच्छे से होने वाली थी। और मेरे सामने पड़ी थी विस्तारा की मैगजीन, अगर आप चाहो तो उसको रीड कर सकते हो आराम से पूरे फ्लाइट में। विस्तारा वर्ल्ड का भी ऑप्शन था जहाँ पे आप इंटरटेन हो सकते हो थ्रू द वाईफाई। वॉमिटिंग बैग दिए हुए थे, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी थे, एंड दिस वॉज A320neo एंड बहुत ही नया एयरक्राफ्ट। सो दिस वॉज सीट बेल्ट, मैंने पहले ही लगा ली बिकॉज फिर बाद में लगानी पड़ती। एंड ये था रिक्लाइनर, ये सीट ज़्यादा रिक्लाइन हो रही थी कम्पेयर टू इकोनॉमी एंड काफ़ी कम्फर्टेबल थी गाइस, बिलीव मी। तो मैक्सिमम पब्लिक जा रही थी इकोनॉमी एंड ये पूरी लाइन लगी हुई थी वहाँ पे, बट यहाँ प्रीमियम इकोनॉमी में कोई नहीं था फिलहाल। एंड ये रिक्लाइनर भी काफ़ी बढ़िया था, सीट्स में कुशंस काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के दिए हुए थे जो कि कंफर्ट को इन्हेंस कर रहे थे। तो ऊपर डक्ट्स दिए हुए थे पेंडिंग कि आपको हवा तेज चाहिए या कम चाहिए, वो आप उसको एडजस्ट कर सकते थे। रीडिंग लैंप्स दी हुई थी, काफ़ी बढ़िया थी। इसके अलावा लेग स्पेस का मैं बता ही चुका हूँ आपको। तो केटरिंग कार सैच की थी एंड खाना बहुत ही कमाल का होने वाला था एंड बहुत ही मैं एक्साइटेड था। तो ट्रे टेबल निकालनी है तो आपको साइड से निकालनी पड़ेगी इसमें, बिकॉज सामने नहीं है। ये ट्रे टेबल काफ़ी प्रीमियम लग रही थी भाई एंड इसको आप एडजस्ट कर सकते थे आगे या पीछे अपने कम्फर्ट के हिसाब से। सो फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले मुझे दिया गया मेन्यू प्रीमियम इकोनॉमी का, फूड एंड बेवरेज मेन्यू, एंड दिस वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी बिकॉज पहली बार मुझे दिया गया था मेन्यू इन फ्लाइट। सो दिस वाज समथिंग न्यू फॉर मी। एंड प्रीमियम इकोनॉमी में अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको मेन्यू दिया जाता है फॉर द फूड एंड बेवरेज। स्टारबक्स की बेवरेज मिल रही थी एंड ब्रेकफास्ट में तीन ऑप्शन थे तो मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन चुना एंड बाकी दो ऑप्शन भी थे, आप रीड कर सकते हो। तो टेक ऑफ करने से पहले हमें सर्व किया गया वेट नैपकिन जो कि काफ़ी मस्त चीज़ लगी मुझे। एंड यूजली तो हमको वेट वाइप्स मिलते हैं बट इसमें प्रॉपर नैपकिंस के साथ, वो करना क्या होता है इसमें, यू जस्ट हैव टू वाइप योर फेस एंड इट विल क्लियर ऑफ ऑल द डर्ट, इवन मेक यू फील स्ट्रेस फ्री। तो काफ़ी कमाल की चीज़ होती है वेट वाइप्स, ये वेट नैपकिंस थे लेजिट जो कि मुझे काफ़ी मस्त लगे। सिर्फ प्रीमियम इकोनॉमी पैसेंजर्स को ही दिए गए थे ये। तो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग विच वॉज गिवन टू अस। तो चार्जिंग सॉकेट्स भी थे ऑफकोर्स, वो तो आपको इकोनॉमी में भी मिलेंगे, तो पूरे विस्तारा में ही आपको चार्जिंग सॉकेट मिलते हैं जो कि काफ़ी पैसेंजर्स को ना काफ़ी फ़ायदा हो जाता है यार, अगर फ़ोन चार्ज भी ना हो तो दे कैन चार्ज द फोन इन द फ्लाइट। तो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन प्रीमियम इकोनॉमी तो वो एक प्राइवेट रूम बन जाता है। तो आप देख सकते हो जैसे वो एयर हॉस्टेस जो हैं वो कर्टेंस लगा रही थी एंड हमारे आगे भी कर्टेंस थे एंड पीछे भी कर्टेंस थे, तो एक छोटा सा एरिया बन जाता है प्रीमियम इकोनॉमी का, सो यू कैन हैव योर ओन प्राइवेसी। तो ट्रे टेबल में ही एक छोटा सा मोबाइल होल्डर भी दिया है जहाँ पे आप मोबाइल रख सकते हो एंड Netflix, Amazon, Prime या कुछ भी इंजॉय कर सकते हो आराम से दो तीन घंटे के लिए, भाई आपका टाइम पास बहुत ही कमाल से होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। तो गाइस फाइनली आई ब्रेकफास्ट वॉज हियर और भाई क्या तरीका था लाने का। सबसे पहले मेरी नज़र गई फ्रूट्स पे, तो पूरा का पूरा ब्रेकफास्ट ही भाई साहब अलग था इकोनॉमी से। और भाई कटलरीज लाने का तरीका देखो गाइस, इसको प्रॉपर थ्रेड से बांधा गया विद द टिश्यू पेपर। ये कटलरीज पूरी स्टील की थी, मतलब प्लास्टिक वाला कोई सीन नहीं था एंड दे रियली ट्राई टू मेक इट प्रीमियम जो कि दे वर सक्सेसफुल। ये टिश्यू पेपर पे कुछ मैसेज लिखा हुआ था तो वो मैसेज आपको पढ़ के दिखाता हूँ। तो मैसेज था प्लीज़ पुट योर मास्क बैक, मतलब आफ्टर द ब्रेकफास्ट प्लीज़ पुट योर मास्क बैक, दिस वॉज द मैसेज। उसी के अंदर कटलरीज के साथ साथ यहाँ पे क्रीमर शुगर फ्री वगैरह दिया हुआ था।
कॉफ़ी के साथ आप ले सकते हो, एंड मिंट भी दी हुई थी। ये तो इकोनॉमी में नहीं देते हैं मिंट, जो कि आप ब्रेकफास्ट के बाद खा सकते हो। तो लेट अस जस्ट स्टार्ट ऑफ विद द एप्पल, जो कि बहुत फ्रेश था। ऑफकोर्स एप्पल का टेस्ट तो सबको पता है, बट दिस वॉज रियली फ्रेश एंड काफ़ी मीठा और काफ़ी टेस्टी एप्पल था बॉस। तो अभी टाइम था पपाया टेस्ट करने का, काफ़ी फ्रेश था, वंस अगेन काफ़ी मीठा था। ऑनेस्टली तो भाई फ्रूट पे तो आप डिपेंड करता है भाई वो मीठा होगा कि नहीं, बट आई डोंट नो हाउ दे मैनेज टू गेट द फ्रेश एंड द स्वीटेस्ट ऑफ द फ्रूट, दैट वॉज अमेजिंग। नाउ इट वॉज टाइम टू हैव पोटैटो वेजेस, जो कि मैंने बीन्स के साथ लगाया। बीन्स का टेस्ट थोड़ा मीठा था, सॉसी होती है थोड़ी बीन्स, एंड साथ में मैंने पोटैटो वेजेस को लगाया, एंड देखते हैं भाई ये कैसा होने वाला है। तो वेजेस बहुत ही फ्रेश थे, मुंह में जाते ही घुल गए। विथ नो टाइम मैंने खाना शुरू किया। ऑफकोर्स दिस वॉज 10/10, और देखते देखते मैंने एक और वेजेस उठाया, बीन्स के साथ मिक्स किया, ये भी खाना शुरू कर दिया। भाई भूख लग रही थी ज़बरदस्त, बिकॉज मैं रात भर से ट्रैवल कर रहा था। वेल नाउ इट वॉज टाइम टू हैव चीज़ ऑमलेट। तो इसके अंदर चीज़ था, वेजीज थी, एंड ऑमलेट था, जो मतलब बीन्स के साथ ही खाते थे आपको ज़्यादा टेस्ट आता, ज़्यादा मज़ा आता। तो बट मैंने ट्राई किया इसको पहले विदाउट बीन्स, इट वॉज ग्रेट गाइज, बहुत ही फ्रेश, सारे मसाले बिल्कुल प्रॉपरली डिस्पर्स थे, इट वॉज रियली गुड, इट वॉज 10/10, बहुत ही फ्रेश। एंड देखो अंदर पूरा चीज़ भरा हुआ था इसके, चीज़, बीन्स और वेजेस, भाई डेडली कॉम्बिनेशन। विथ नो टाइम मैंने इसको कर दिया ख़त्म, और मैंने उनसे एक्स्ट्रा मंगा लिया नॉन वेज मील, बिकॉज मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई थी, रात भर से ट्रैवल कर रहा था, एंड इट वॉज वर्थ हैविंग वंस मोर। तो मैंने एक और नॉन वेज मील मंगा ली, काफ़ी गर्म थी, अगेन इट वॉज सेम, और आप जितना चाहो मंगवा सकते थे, द फूड वॉज ऑफकोर्स अनलिमिटेड। तो अगर आप प्रीमियम इकोनॉमी में जा रहे हो तो आपको अनलिमिटेड खाना मिलेगा, जितना चाहो मंगा सकते हो। Well now it was time to have some coffee, and ये coffee थी brewed in Starbucks, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था, because Starbucks जो है उसमें टाटा का स्टेक है, एंड विस्तारा में भी टाटा का स्टेक है, टाटा एंड सिंगापुर एयरलाइंस का स्टेक है। स्टारबक्स के प्रमोशन के लिए वी वर सर्व्ड स्टारबक्स कॉफ़ी, इसमें आप क्रीमर एंड शुगर डाल सकते थे एंड शुगर फ्री मंगवा सकते थे। तो मैंने शुगर फ्री मंगा ली थी, एंड इस कॉफ़ी में शुगर फ्री थी। तो भाई नाउ इट वॉज टाइम टू हैव कॉफ़ी, वो दूध मुझे कम लग रहा था तो मैंने और क्रीमर डाल दिया, और तो पानी की बॉटल्स भी मिली थी हमको साथ में। इतना कुछ था कि पानी की बॉटल्स दिखाना भूल गया, बाकी सब दिखा दिया, एंड विद द व्यू इट वॉज टाइम टू हैव सम कॉफ़ी। तो सेकेंड मील भी मैंने ख़त्म कर दी थी। अब आप बोलोगे भाई कैसा भुक्कड़ है, गाइस भूख ही इतनी लगी थी कि मैं क्या करूँ, कॉफ़ी पी रहा था, साथ में ब्रेकफास्ट कर रहा था, और मेरे बगल में कोई नहीं था। तो जैसा कि मैंने बोला था कि प्रीमियम इकोनॉमी में सिर्फ 5 लोग थे, दैट्स ऑल। भाई प्राइवेसी प्लस खुली सीट्स एंड अनलिमिटेड फूड, व्हाट अ जर्नी इट हैज़ बीन। तो वाइप्स भी दी हुई थी आफ्टर द ब्रेकफास्ट, आई थॉट ऑफ यूजिंग द वाइप्स। तो आराम से मैं अपना फेस साफ करने लगा, वेट करने लगा कि कब ये टेबल क्लियर हो, थोड़ा बहुत सो लेता, आराम कर लेता। अराउंड 7 o'clock, लगभग आधे घंटे में हम बैंगलोर पहुंचने ही वाले थे। वेल नाउ इट वॉज टाइम टू हैव सम आफ्टर मिंट, इट वॉज 7:15 एंड वी वर अबाउट टू लैंड इन बैंगलोर फाइनली। गाइज फाइनली वी रीच्ड बैंगलोर। अब मैं जा रहा था अपना लगेज क्लेम करने के लिए, वॉज प्रायोरिटी लगेज, मतलब सबसे पहले निकलना बनता था इफ यू आर ट्रैवलिंग इन प्रीमियम इकोनॉमी। सो लेट्स सी, एंड व्हाट अ जर्नी इट हैज बीन, मतलब क्रेजी, वन ऑफ द बेस्ट एवर। अब देखते हैं मेरा बैगेज जो है प्रायोरिटी पे आता है कि नहीं, बट वेयर इज माइन। ओ भाई सबसे पहले आ गया, ये फ़ायदा है ट्रैवलिंग इन प्रीमियम इकोनॉमी। भाई विस्तारा में लगा है कि हाँ कुछ फ़र्क है,
बाकी यू कैन कंपेयर। फाइनली आई एम इन बैंगलोर एंड सीरियसली इट हैज़ बीन वन ऑफ दी, अब मैं क्या बोलूँ, जितना वन ऑफ दी लगाऊंगा इतना एग्जैजरेट करना पसंद नहीं है, आपने जो देख ही लिया। बट बाय गॉड गाइस, अब समझ में आता है भाई क्यों लोग बिजनेस क्लास प्रीमियम इकोनॉमी मतलब यार बातें ही करते हैं। बट आई थिंक मैंने आज फील भी कर लिया, पैसा दिए एक्स्ट्रा, ठीक है मैंने दिए पैसे एक्स्ट्रा, बट इट वॉज़ वर्थ इट, इट वॉज एब्सोल्यूटली वर्थ इट। मतलब इकोनॉमी से ना मतलब लाख लाख टाइम्स बेटर थी ये, वॉट अ जर्नी। अगर 10 से ऊपर कुछ होता तो मैं देता, बट दिस इज़ 10 on 10, इट वॉज अमेजिंग। एंड मिलता हूँ आपसे फिर अभी कोई नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। यहाँ तक देखा है तो कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, एंड इन फ्यूचर अगर चाहते हो कि मैं और एफर्ट्स दूँ तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर ये कॉन्टेंट पसंद आया तो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।